हाल ही में शुरू हुई केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज नेटवर्क में। पिछले हफ्ते शुरू हुई केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। दक्षिण रेलवे ने बताया कि सोमवार की शाम तिरुनवाया और तिरूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। रेलवे ने बताया कि इस घटना में एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दक्षिण रेलवे ने कहा कि इस घटना के बाद हमने ट्रेन सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस ट्रेन का परिचालन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक किया जा रहा है। यह देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है, जिसे 80% स्वदेशी उत्पादों से बनाया गया था। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें GPS आधारित सूचना सिस्टम, CCTV कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और हर कोच में 4 आपातकालीन पुश बटन दिए गए हैं। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहे ई इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।